नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। हम अपनी अकाउंट्स की क्लास में अभी तक पार्टनरशिप बेसिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, दैट मींस उसके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसकी तरफ चलेंगे और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ आप लोग, तृप्ति एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। क्या मतलब, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट जो है वो है 60,000 एंड 40,000, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2019, ओके जी। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 30,000 का प्रॉफिट अर्न करा है, ध्यान से देखना पूरे साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 30,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू 1,000 पर मंथ एज सैलरी। दोनों पार्टनर्स को 1,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी एंड 5% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल, और ये क्या है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है, ठीक है। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन देयर ड्रॉइंग्स। उनकी ड्रॉइंग्स पे भी 5% का इंटरेस्ट लगने वाला है, ओके जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। अब देखो ध्यान से, उनकी ड्रॉइंग पे 5% के रेट से इंटरेस्ट लगने वाला है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। व्हाट डज दैट मीन, मतलब चाहे उन्होंने 2 महीने के लिए विड्रॉ किए हो, 3 महीने के लिए किए हो, 4 महीने के लिए किए हो, हम पूरे साल का इंटरेस्ट लगाने वाले हैं 5% पर एनम, हम 2-3 महीने का नहीं लगाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली दे दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो ड्रॉइंग कितनी है, 12,000 है त्रिपति के लिए, 8,000 है चौहान के लिए। हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाना है व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। अब कैपिटल फिक्स्ड होती थी तो हम क्या करते थे, आप लोग बताओ क्या करते थे, हम लोग दो अकाउंट बनाते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल एक पार्टनर्स करंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता था, जो उनका बैलेंस है, अगर उसने एडिशनल कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो, और परमानेंटली कुछ विड्रॉ किया है तो वो, और बाकी सारी चीजें आ जाती थी करंट अकाउंट में, राइट। ये हम करते थे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ड्रॉइंग के लिए लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, लेकिन वैसे क्वेश्चन में पीरियड दिया भी नहीं हुआ है आपको, आपको दिया है कि ड्रॉइंग किस डेट पे हुई है। तो अगर ये चीज नहीं भी दी होती, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड नहीं भी दिया होता, तब भी आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करते ड्रॉइंग पे, बिकॉज डेट तो वैसे भी नहीं दी है ना। तो ये वाला डेटा इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड नहीं भी लिखा होता, तब भी तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट निकालते ड्रॉइंग्स पर, ठीक है। पर दिया है तो ठीक है, हम तो वैसे भी यही करने वाले थे क्योंकि आपने डेट कहा दी है। हाँ, यहाँ डेट दी होती लेकिन फिर भी बोला जाता 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज टू बी चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। दैट मीन्स वॉट, कि चाहे कितने भी महीने के लिए उसने ड्रॉ किए हो पैसे, जैसे 1 अक्टूबर को ड्रॉ किए हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, लेकिन हम पूरे 12 महीने का लगाएंगे। क्यों मैम, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। जब क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली बात कर देता है तो हमें क्वेश्चन को ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब हम इसे फुल्ली सॉल्व करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले मैं सारा डेटा लिख देती हूं जो इस क्वेश्चन का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो जो डेटा है वो मैं लिख देती हूं, 1 सेकेंड, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, पार्टनर्स हैं तिरुपति एंड चौहान, ठीक है। इनका कैपिटल अकाउंट है 40,000, 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
5%, ठीक है, और सैलरी हर पार्टनर की है 1000 पर मंथ, ठीक है। एंड देन ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स तिरुपति की कितनी है भाई ड्रॉइंग्स, 12000 की, और चौहान की कितनी है भाई 8000 की, ठीक है। इस पर इंटरेस्ट कितना है ड्रॉइंग्स पर भी 5% पर आराम, ठीक है। बस इतना ही डेटा है, इतना ही पूरा डेटा है क्वेश्चन में, और हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। वन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड, उस केस में कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना है। अब कुछ भी बनाने से पहले हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि पार्टनर्स में क्या क्या जा रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो भाई तो बहुत नीचे क्यों चला जाता है, बेकार है एकदम, है ना। चलो आ जाओ, अब हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, आप ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे। एक बार लिख के दिखा भी देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, अभी मैं हटा रही हूं। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ओके। चलो अब हम सबसे पहले पीएनएल अकाउंट का बैलेंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, ओके जी। ये कितना है, हमने कितना लिखा था, ओ बैलेंस लिखना हम भूल गए, मैं वो ही कह रही थी, कुछ ऐसी चीज है क्या जो लिखना भूल गए, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 30000 का, ठीक है, 30000 का प्रॉफिट आ रहा था, ये 30000, ठीक है। उसके बाद अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे इसमें इजी है तो अपन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सैलरी देखते हैं, टू सैलरी तिरुपति की कितनी होगी भाई, 12000 की, और चौहान की कितनी होगी भाई, इनका कैपिटल अकाउंट ऑफ कोर्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, इन पर्टिकुलर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा होगा ना, है कि नहीं, 12000, क्योंकि ये चीजें उन्हें तो मिल रही हैं, पैसे में तो दे नहीं रहे, कैपिटल अकाउंट बढ़ा रहे हैं इसलिए, ठीक है। चलो ये मिल गया, अब इन्हें और क्या मिलेगा भाई, इन्हें इंटरेस्ट मिलना था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तिरुपति का, या अगेन मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आपको फुल लिखना पड़ेगा, और ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रही हूँ, आप नोट्स में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये 60000 है, राइट, 60000 का 5%, दैट इज 3000 ही आएगा, और चौहान 40000 का 5%, दैट इज 2000, राइट, ये आ गया, ठीक है। अब देखो देखो, सबसे अच्छा तरीका ये है, ये जो डेटा है ना, नोट्स फाइनल तो सॉल्यूशन ये होएगा आपका, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले उसके लिए एक दो तीन पेज छोड़ दो, जो चीजें आपको फेयर बनानी है, ठीक है। उसके बाद नोट्स स्टार्ट करो, क्या लिखो, नोट्स, नोट्स में क्या करो, सबसे पहले जो भी डेटा है, ये जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसको लिख लो, ताकि आप इजिली क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैंने लिख ली है सारी लिख लो, ताकि अब बार 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 क्वेश्चन ना देखना पड़े आपको, आप इसी डेटा से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फर्स्ट स्टेप ये, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप छोटी छोटी कैलकुलेशंस खुद से करो मत, नोट्स में दिखा दो, मार्क्स मिलेंगे इसके, नोट में दिखा दो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इस तरीके से। जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना अच्छा होगा, एग्जामिनर को ये क्लैरिफाई होगा कि आप ये जो अमाउंट आए कहाँ से निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया, एक दो तीन पेजेस, जितना भी हमें फेयर फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब जो भी अकाउंट्स हमें बनाने हैं उसके लिए पेजेस छोड़ दो, उसके बाद हेडिंग डालो नोट्स, उसमें जो भी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको यूजफुल होगा
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारा लिख दो ठीक है। तो जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको नोट वन नोट टू नोट थ्री करके दिखाओ। नोट वन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नोट थ्री सैलरी, भले इजी है ना 1000 12000 1000 12000, तब भी दिखाओ। वैसे भी कैलकुलेशन तो करोगे ही, इसे अच्छा नोट्स में बना के दिखा दो। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे और एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, मतलब आपका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सही आएगा ठीक है। चलो अभी हमने कर दिया जी डन, हमारा सैलरी डन हो गया, हमारा कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट डन हो गया। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलेगा, किससे मिलेगा, पार्टनर्स से मिलेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है, तिरुपति से और चौहान से। तिरुपति से कितना मिलेगा 12000 का 5%, दैट इज 600, और चौहान से कितना मिलेगा 8000 का 5%, दैट इज 400 ठीक है। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया 31000 ठीक है, 30600 प्लस 400 दैट इज 31000 ठीक है भाई, धीरे धीरे बढ़ो ना ठीक है, 31000 अभी 12000 प्लस 12000 दैट इज 24000 प्लस 5 दैट इज 29 माइनस 31 कितना बच गया 2000। अब ये 2000 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ठीक है। हम क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हमने सारा का सारा अब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, हम सारे पार्टनर्स में दे रहे हैं मतलब तिरुपति और चौहान को दे रहे हैं। कितना है 2000, रेशियो क्या है 3:2, तो कैसे कैलकुलेट होगा 2000 × 3/5 ठीक है, कर लो भाई 1200 आएगा, 1200 इसका 800 इसका, टोटल आ गया 31000। ये बन गया हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है। अब आ जाओ ओके, ये हमारा पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, आगे बढ़े। चलो मुझे मेरी राइटिंग के लिए प्लीज माफ करना, हाँ कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है। चलो ओके, अब हम बनाते हैं, क्या बनाना है हमें, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम हेडिंग दे देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट ठीक है ओके। चलो दोनों का साथ में बना लेंगे, तिरुपति एंड चौहान ठीक है। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट ठीक है, यहाँ पे भी आएगा पर्टिकुलर्स और दोनों का साथ में बना लेंगे, तिरुपति एंड चौहान पर्टिकुलर्स ठीक है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो छोटा सा बनेगा, क्यों, बैलेंस 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कैपिटल अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट मतलब बाय बैलेंस बीडी, पिछले साल से उठ के आ रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड, कितना है 60000 and 40000 ठीक है। उसके बाद यही बैलेंस, अब पूरे साल में क्या एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया है इसने, ना बाबा ना, क्या इसने कोई ड्रॉइंग किया जो परमानेंट हो, ड्रॉइंग टेम्पररी वाली नहीं, विड्रॉल किया है, ना बाबा ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। तो यही बैलेंस पूरे इस साल के एंड का भी यही बैलेंस होगा, दैट इज टू बैलेंस सीडी, दैट इज कैरी फॉरवर्ड, कितना टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा भाई 60000 40000 डन। बन गया अकाउंट, क्या दिक्कत है इसमें,
बस इतना ही करना है कैपिटल। अब करंट अकाउंट में जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। पूरी लाइन से हट गई, चलो डन, ठीक है, ओके। चलो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, डेबिट क्रेडिट वही पर्टिकुलर तिरुपति चौहान, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। बाबा रे, सबसे पहले तो इसमें सैलरी आ जाएगी, बाय सैलरी। पार्टनर्स का करंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा था, बिकॉज फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट जा रहा है। किसको मिल रहा है? पार्टनर को। कैसे मिल रहा है? उनके कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का क्रेडिट हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है। कैपिटल अकाउंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो कितनी? 12,000, ओके। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिल रहा है। ये भाई, ये एग्जाम में बिल्कुल गलती मत करना, इंटरेस्ट फुल लिखना। ये INT, मैम तो INT लिखती थी, हम भी लिख के आएंगे। आप मैम हो क्या? अभी आप स्टूडेंट हो ना? हाँ, तो स्टूडेंट में आपको फुल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 2,000 ही कैलकुलेट किया था ना हमने, ओके। उसके बाद बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो पीएनएल का नेट बैलेंस था वो कितना था? 1,200 और 800। अब यहाँ आ जाओ, ड्रॉइंग्स की है ना इसने, कैपिटल अकाउंट में तो आएंगी नहीं, क्यों मैम? बेटा जी, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे परमानेंट ड्रॉइंग्स आएंगी। ये तो ड्रॉइंग्स है, विड्रॉल नहीं है, तो कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में। एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसे गए, पैसे तो गए, पार्टनरशिप फॉर्म से पैसे तो जा रहे हैं, और एक नया अकाउंट, हम वैसे तो हम उनका कैपिटल अकाउंट काम करें, जिसके लिए एक नया अकाउंट नाम दे दिया जाता है ड्रॉइंग्स का। पर ये ड्रॉइंग्स फाइनली कहाँ ट्रांसफर होंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। इफ द कैपिटल अकाउंट आर फिक्स टू बी मेंटेन, तो पार्टनर के करंट अकाउंट में, मतलब पार्टनर का करंट अकाउंट कम हो जाएगा। और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो वो तो एक ही अकाउंट बनता है, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। ड्रॉइंग्स का नेट शेल में इफेक्ट क्या होता है? पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि आपका कैपिटल इतना दिख रहा था, उसमें से आप पैसे निकाल के ले गए, तो फर्म बोल रही है देखो मुझे 10,000 देने थे, तो 1,000 तो निकाल के ले गया, जब वापस देगा तब ठीक है, लेकिन अभी तो तू निकाल के ले गया, तेरा कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है जी। चलो टू ड्रॉइंग, ओके। कितनी कितनी थी ड्रॉइंग? 12,000, 8,000। इस पर इंटरेस्ट भी लगा था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगा था जी? 600, 400। अब हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस क्या आ रहा है। चलो पहले इसका निकालते हैं। ये तो 15,000 + 1,200 आ रहा है ना, दैट इज 16,200 आ रहा है। माइनस 12,000 करो, माइनस 600 करो, 3,600, ठीक है। ये 16,200 है, इसका टोटल 16,200 करने के लिए क्या है? ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों भाई? क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड 16,200 है, डेबिट साइड तो भाई सिर्फ 12,600 ही है ना। डेबिट साइड 12,600 है, क्रेडिट साइड 16,200 है, तो जो साइड ज्यादा होती है उसी का तो बैलेंस आता है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, लेकिन लिखते उसको डेबिट साइड में, है ना, ठीक है। तो बैलेंस यदि कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? 3,600, ठीक है जी, आ गया। अब नेक्स्ट चलो, ये तो आ रहा है 14,800, ओके। अब इसमें क्या है? 6,400 आ रहा है, ये तो ये बैलेंस, यहाँ तो 14,800 ही आएगा ना, ठीक है, 6,400 डन।
ये हो गया एग्जाम में आपको जो जो करके आना है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। एग्जाम में आप पहले ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, ऑफ कोर्स बनाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट दिया है, पार्टनर्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये दिया ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। और मैंने प्रेजेंटेशन कैसे बताया, जैसे इतना डेटा है तो आपने मान लिया एक पेज में मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाऊंगी, नेक्स्ट पेज में मैं पार्टनर्स कैपिटल, इसमें छोटा बनेगा करंट अकाउंट, मतलब दो पेज में हो जाएगा। तो दो पेज के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हैं नोट्स। फिर जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, पार्टनर्स की ड्रॉइंग कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तिरुपति निकालो, चौहान निकालो, इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाओगे, सब कुछ नोट्स में दिखा दो और फाइनल सॉल्यूशन ये फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, हम सिर्फ ये एक दो क्वेश्चन में थोड़े स्लो चलेंगे, डोंट वरी, उसके बाद हम बहुत फास्ट चलने वाले, क्योंकि मुझे आपको एक बार प्रेजेंटेशन बताना सिखाना जरूरी है, बिकॉज उसके भी मार्क्स होते हैं ना। आना जितना जरूरी है उतना ही प्रेजेंट करना भी तो जरूरी है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपको आता है, जब आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाओगे, है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब आप लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अगर देखोगे, हाँ बाय चांस किसी स्टूडेंट ने देखा उसमें दो सॉल्यूशन दिए, ठीक है, और वो फिर क्या सोचेगा, मैम गलत बताती है, मैम को नहीं आता, है कि नहीं, क्योंकि उसमें दो सॉल्यूशन दिए हैं। आप लोग सोचोगे मैम ने तो एक ही बताया, मैम को दूसरा आता नहीं था क्या, हर बच्चे यही सोचने वाला है ना, सोचते ही ऐसे बच्चे, हम भी ऐसे ही सोचते थे, उसमें कुछ गलत नहीं है, हम भी ऐसे ही सोचते थे, ठीक है। इसीलिए इसलिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छे से आपको ये चीज बता रही हूँ, देखो ध्यान से देखना। क्या होता है ना, पार्टनरशिप डीड होती है, हमने अच्छे से समझा है पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड में अगर हम स्पेसिफिकली ये लिख दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दीज ऑल आर चार्ज, मतलब ये यूज ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है। मैम इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। मैम कैसे, बिकॉज ये सब फिर आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो मेरा नेट प्रॉफिट आया उसके बाद में पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाती हूँ ना, वो नहीं है। अगर मैंने ये लिख दिया चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसका मतलब हो जाएगा कि ये सब कुछ पीएनएल अकाउंट में आएगा और उसका नेट बैलेंस बस सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ पीएनएल अकाउंट में आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं। कब 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 कब, अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली लिखा हो कि ये सारी चीजें चार्ज ऑन प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बताता ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को दो एजम्पशन से किया है। हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है क्या, सिर्फ इतना बताया है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना देना है, ये सब क्या बताया है कि पार्टनरशिप डीड ट्रीट इट एज अ चार्ज, ये बताया है, नहीं बताया है, कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी ने इसको दो तरीके से करके दिखाया है, पहला तरीका वो जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा तरीका कैसा अभी बताती हूँ, दूसरा तरीका उसने चार्ज की तरह बताया है कि भाई ये तो चार्ज है, अगर ये चार्ज है तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें, ये पीएनएल अकाउंट का जो 30,000 का बैलेंस है उसमें एडजस्ट हो चुकी है, हमें यही मानना है, बिकॉज उन्होंने तो फाइनल पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दिया है, मतलब दैट मींस कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली पीएनएल अकाउंट में जा चुकी होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो चार्ज है, चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट में जा चुकी होंगी, तो सब कुछ देने के बाद, लेने के बाद फाइनल 30,000 आ रहे हैं प्रॉफिट, तो
उन्होंने क्या सिंपल ये रफ में करके दिखा रही हूँ आपके, इतने कोई काम का नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ना सिंपल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस उठ क्या है 30,000। अब हम ये मान रहे हैं जो बैलेंस 30,000 है इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल चुका है, सैलरी लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बिकॉज पार्टनरशिप डीडी से चार्ज की तरह मान रही है, ठीक है। तो हम सीधा इस 30,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तिरुपति को और चौहान को। कितना भाई, कितना है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इतना है ना 30,000 divided by 5 into 3 18 आ रहा होगा शायद, हाँ 18,000 12,000 सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सेम बनेगा 60-40, उसमें तो कुछ है नहीं। करंट अकाउंट में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, इधर ही आपको बताती हूँ मैं। ये हमने करंट अकाउंट बनाया है ना, उसमें क्या करेंगे, हाँ भाई पीएनएल अकाउंट से एडजस्ट हो गया है पर पार्टनर्स को तो मिलेगा ना, कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा, मतलब ये सेम चीज होगी, ये सेम चीज होगी, ये सेम होगा, ये सेम होगा, सिर्फ फर्क यहाँ आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। क्यों, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि 30,000 में ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले से एडजस्ट हो चुकी है, उसके बाद 30,000 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, यहाँ आ जाएगा 12,000, बस इतना सा फर्क आएगा और कुछ नहीं। हाँ, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में फर्क आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या उठ के आएगा, बाय पीएनएल 30,000 और वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस, क्योंकि हम उसे चार्ज की तरह मान रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, इसे हटा दूं मैं बिकॉज ये सही तो नहीं है, ये तो सेकेंड सॉल्यूशन में ऐसा किया हुआ है, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम जो हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। हम इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन ही मानते हैं, चार्ज नहीं मानते, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इसे क्या मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि चार्ज, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन से जो हमने अभी फर्स्ट मेथड से किया वैसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है, भूल जाओ सेकंड मेथड को, भूल जाओ, फर्स्ट जो मैंने बताया उससे ही करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, बाय चांस आपके एग्जाम में अगर आ गया उसमें लिखा कि पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सबको चार्ज मानती है, तो फिर हमने जो सेकंड मेथड किया आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देना पड़ेगा, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं 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 चलेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया पार्टनरशिप डीडी से चार्ज मानती है तो हम वैसे करेंगे, अदरवाइज हम इसे कैसे करेंगे जी, अदरवाइज जो हमने फर्स्ट सॉल्यूशन किया दोबारा दिखाती हूँ वैसे ही करेंगे कि हाँ भाई ये 30,000 है, ये प्रॉफिट है, अभी तक इसमें से ये सारी चीजें नहीं हटी है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के फाइनली हटाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से और पार्टनर्स करंट अकाउंट इस तरीके से बनेगा, और फिर नोट्स बना के हम दिखा सकते हैं। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चल भाई चले जा तू, ओके। अब जी देखो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जी सॉल्व कर लिया, ओके। अब आ जाओ सेकंड, अब ये सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैम क्यों होमवर्क क्यों, एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें फ्लक्चुएटिंग, ये तो और भी इजी है भाई, इसमें आपको दो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अनुभव, अनुभा एंड काजल दोनों का एक ही अकाउंट बनेगा, बस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट तो उस केस में बनेगा ही नहीं, ठीक है। बट इसका मैं ये बता देती हूँ कि इसमें दोनों में आंसर गलत दिए हैं, मैं आपको राइट आंसर दे देती हूँ, ठीक है, बाकी करना आपको इसे सॉल्व घर पर पड़ेगा। द राइट आंसर इज, वन सेकेंड मैं आपको राइट आंसर इसका लिखवा देती हूँ, मैंने सॉल्व राइट आंसर इसका, हाँ देखो
109875 एंड 76950, दैट इज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है, ये गलत आंसर है। अब आप सबको इसे सॉल्व करना है एग्जैक्टली सेम है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस फ्लक्चुएटिंग है तो बस एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा, राइट, करंट अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2019। ओके, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, कोई एग्रीमेंट नहीं मतलब कोई डीड नहीं है, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूट किया है, 4 लाख एंड 1 लाख, ठीक है, एस कैपिटल, ये भी ठीक है। इन एडिशन हर्षद ने एडवांस किया है एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2016। मैं हर्ष इसलिए रही हूँ, इतनी मिसप्रिंटिंग करते हैं ये लोग। एक बार बताना, हर्षद एंड धीमन पार्टनरशिप में कब से आए हैं, 2019 से, और लिखा है ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद could not participate in business activities from 1st August to 30 September 2016. 2019 होगा ना फिर, ठीक है। The profit for the year ended 31st March 20, ठीक है, because हमारा financial year 19-20 है, तो उसमें profit हमारा कितना है, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000, ठीक है, ये तो हम समझ गए, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई agreement है नहीं, ठीक है, लोन है 1 लाख का, हर्षद ने दिया है ना, हर्षद ने दिया है, कब दिया है, 1 अक्टूबर के दिन दिया है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड देम धीमन, इनके बीच में लड़ाइयां भी शुरू हो गई। पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, है ना। अब देखो क्या है, हर्षद क्या क्या बोल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% का ऑन कैपिटल एंड लोन, वाह भाई वाह। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, इसका दिमाग खराब हो गया है, हाँ नहीं तो, ये पेन का हैंग होना तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इस पेन के ऊपर। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना, हर्षद का क्लेम किस हद तक सही है, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, हर्षद क्लेम एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इज नॉट जस्टिफाइड, क्यों मैम, बिकॉज देर इज नो एग्रीमेंट। वेन देर इज नो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है, जो क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। तो हर्षद क्लेम एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इज नॉट जस्टिफाइड एज देर इज नो एग्रीमेंट, एज देर इज नो एग्रीमेंट एंड इन दिस केस एज देर इज नो एग्रीमेंट एंड In this case, Partnership Act says no interest on capital will be allowed. इस तरीके से आपको लिखना है, फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकेंड आपको क्या लिखना है, हर्षद के as regard to interest and loan is also एट द रेट 10% इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, वाई, बिकॉज वेन देर इज नो एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट सेज इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6%, नॉट
10%, ठीक है, हो गया. सेकेंड, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल लो. सेम आंसर. हर्षद क्लेम एज रिगार्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज नॉट जस्टिफाइड एज देर इज नो एग्रीमेंट. सो इन दिस केस पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज विच सेज दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ठीक है, ओके, चलो. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो है ना, ये हर्षद का नहीं, दूसरे पार्टनर्स का क्लेम है. कौन है दूसरा पार्टनर? धीमन. हाँ, ये धीमन का है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6%. यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, ऑल्सो प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो इस केस में क्या लिखेंगे? धीमन क्लेम एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% इज नॉट जस्टिफाइड. वाई? बिकॉज सेम इस तरीके से, बिकॉज देर इज नो एग्रीमेंट एंड इन दिस केस पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज विच सेज देर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड. ठीक है, क्लियर. बट हिज क्लेम रिगार्ड टू, धीमन क्लेम रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% इज जस्टिफाइड बिकॉज इन केस देर इज नो एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट ऑल्सो सेज द सेम. वो भी तो 6% ही बोलते हैं, तो यही लिखेंगे. क्लियर, इजी है, लैंग्वेज फॉर्म में हमें लिखना है. अब हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, पर अब ध्यान से देखना, बहुत इजी है क्वेश्चन, बहुत सिंपल. लैंग्वेज तो ठीक है, ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखना. इसमें क्या दिया हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करी है. अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करी है तो हमें लोन का नहीं पता कि क्या करना है. डिस्प्यूट है ना, तभी तो डिस्प्यूट है. एक पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करी नहीं है, हमें नहीं पता अब लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, क्या करना है. प्रॉफिट हमने निकाल दिया है, कितना निकाल दिया है? 1,80,000. 1,80,000 का प्रॉफिट आ रहा है. दैट मींस इसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि उनके बीच में तो डिस्प्यूट चल रहा है. अभी तक वो समझ ही नहीं पा रहे कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट हमें देना है. ठीक है, जब फाइनली ये डिस्प्यूट हमने सेटल किया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, तो हमने बोला ओ भाई पार्टनर को 6% ही दे पाओगे, तो हम क्या बनाएंगे पहले? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. यस मैम, यस मैम, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. वेरी सिंपल, हम कुछ नहीं करेंगे. यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस निकाल दिया 1,80,000. यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 1,00,000 का 6%, दैट इज 6,000. बट उसने लोन कब दिया है? 1st October. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने, मतलब 3,000 का इंटरेस्ट. अब 3,000 का इंटरेस्ट लगते ही प्रॉफिट कितना हो गया जी? 1,77,000. ठीक है, ये पार्टनर्स को बटेगा 1,77,000. ठीक है, टू बैलेंस 1,77,000. ठीक है, ओके. तो पहला अकाउंट ये बन जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट है 1,80,000. अभी तक उसमें इंटरेस्ट और लोन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इन सारी बातों पे तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो हमें पता ही नहीं कितना देना है. हमने कहा भाई पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% देना है, दे दो. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन माइंडेड इज अ चार्ज, नॉट पीएनएल अप्रोप्रिएशन. पढ़ा हुआ है हमने, तो 6% हम पीएनएल अकाउंट में से ही डालेंगे. पीएनएल तो बन गया है, तो एक नया अकाउंट बनाया पीएनएल एडजस्टमेंट. प्रॉफिट उठाया 180, 3,000 का इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर चार्ज किया, कितना बचा? 177. क्लियर, इतना क्लियर. अब देखो अब क्या करना है, कुछ बचा ही नहीं अब तो. इसे हटा दूं? सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, देखो अब क्या करना है. पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है. क्या किया? ओ भाई, यहां से पीएनएल एडजस्टमेंट से बैलेंस रुक के आ गया कितना? 177,000. अब दोनों पार्टनर्स को, हर्षद एंड टू कितना, कौन है? धीमन. इसको कैसे मिलेगा? मैं एग्जाम के लिए तरीके से करके दिखा रूं. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हर्षद धीमन कितना है जी? 1,77,000 इक्वली मिलेगा. बिकॉज व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, क्या बोलता है पार्टनरशिप एक्ट? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और देयर इज नो एग्रीमेंट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ओके भाई, कर दो, ये लो
डन। तो हमने क्या किया, पहले तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो जो ये पार्टनर हर्षद एंड धीमन जो क्लेम कर रहे हैं क्या वो सही है, किस नजर से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट देखेंगे कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट दैट मींस पार्टनरशिप डीड एक तरीके से साइलेंट ही है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो क्या क्या चीजें लिखी है पार्टनरशिप एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन होगा। तुम कितने भी डिस्प्यूट करते रहो, वो फाइनल बता दिया है, कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट भी यही डिसीजन देगा, बिकॉज उन्होंने बोल दिया है कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो यही चीजें होंगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग दे देंगे कि भाई तुमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, देयर विल बी नो सैलरी अलाउड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन एट द रेट 6%। इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। लेकिन अब डिस्प्यूट चल रहा था तो प्रॉफिट 1,80,000 का है, मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट अभी तक चार्ज नहीं किया है, एक पीएनएल एडजस्टमेंट बनाओ, प्रॉफिट आया 1,80,000, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करो, पूरे साल का नहीं 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में दिया है, 3,000 कितना आ गया प्रॉफिट, 177। अभी दोनों प्रॉफिट पार्टनर में कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा, 88,500 88,500। तो अभी तक हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ओके। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी तक हम बहुत धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी छोटी क्लासेस कर रहे थे ताकि आप स्टडी के हैबिट में आ जाओ, अपने सिंक बना लो। अब से हम थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे, क्योंकि अब बहुत क्लासेस हो चुकी है, आपका सिंक बन चुका है, अब आपको मेरे साथ फटाफट सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, हर चैप्टर के, राइट, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से सिर्फ अकाउंट्स के नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए और साथ ही अकाउंट्स के वीडियोस के लिए आपको बस एक काम करना है, क्या, वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी जल्दी से, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।